हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम एक G7 ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे जो आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है। तो हम G7 जो ग्रुप है, इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ये चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि रिसेंट में इसकी 48th सबमिट हुई है 2022 की। कहाँ पर ये सबमिट हुई है? जर्मनी में इसकी सबमिट हेल्ड हुई है। तो इस बार होस्ट किसने किया है इसको? जर्मनी ने किया है, राइट? तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि 2022 की जो G7 सबमिट है वो कहाँ पर हुई है। तो ये जर्मनी में हुई है। और सेकंड, हमें इसको सिर्फ 2022 के हिसाब से भी नहीं याद रखना, हमें इसको याद रखना है ये इसके हिसाब से कि आपका ये 48th सबमिट है, इसके हिसाब से आपको याद रखना है। 48th है और 2022 में हुई है। कई बार पूछ लेगा कि विच कौन सी सबमिट हुई है या 48th सबमिट कहाँ हुई है, तो हमें याद ही नहीं रहेगा कि 2022 में जो हुई है वो 48th सबमिट है। तो हमें इसको दोनों तरीके से याद रखना है। तो ये जर्मनी में हुई है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ आप देखेंगे, हाँ, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडियन PM ने भी पार्टिसिपेट किया है इसमें, तो इसलिए हमारे यहाँ जो जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपने पहले भी देखे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं G7 ग्रुप से रिलेटेड जो हैं। तो अब देख लेते हैं इसके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन। G7 ओरिजिनली G8 था और इसको पहली बार सेटअप किया गया था 1975 में। तो 1975 में G8 सेटअप किया गया था। एक ये इनफॉर्मल फोरम है जहाँ पर जो वर्ल्ड के लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस हैं वो मिलते हैं। जब G8 था तो इसमें रसिया भी शामिल था। हाँ, जब अब इसे रसिया को, लेट मी नो इन टू द कमेंट बॉक्स कि G8 में से रसिया को कब निकाला गया, अगर आपको पता है तो। हाँ, इस G7 के अभी मेंबर प्रेजेंट में कौन है? जर्मनी, UK, फ्रांस, कैनेडा, US, इटली एंड जापान। सो इट्स विजिबल हियर। सो G8 में आपका रसिया था और रसिया को एक्सपेल कर दिया गया इसकी मेंबरशिप से। तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका ईयर बताइए आपकी, किस ईयर में सस्पेंड किया गया और रीजन क्या था, क्या किसकी वजह से, क्या ऐसा कारण था जिसकी वजह से इसकी मेंबरशिप से इसे हटाया गया रसिया को। तो इसकी मेंबरशिप इम्पॉर्टेंट है। कब फॉर्म हुआ था ये? 1975, तब G8 था। और G7 में से किसको निकाला गया? रसिया को बाहर किया गया। और कब किया गया? तो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, G7, G8 एंड G20। तो G7 G20 का भी पार्ट है। तो ये G7 G20 ये बहुत न्यूज़ में बनी हुई है आजकल। नेक्स्ट देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स जो पूछी जा सकती हैं। तो इसकी प्रेसिडेंसी को लेकर है कि जैसे कि अभी 2022 जो 48th समिट है वो जर्मनी में हेल्ड हुई है, जर्मनी ने होस्ट किया है। इन द सेम मैंने इसके जस्ट पहले वाली जो प्रीवियस समिट थी, 47th समिट जो 2021 में हुई थी, वो UK में हुई थी। नेक्स्ट टू समिट आप इन्हें भी याद कर लो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है प्रेजेंट ना पूछ कर जो फ्यूचर में होने वाली है उसको पूछ ले। तो नेक्स्ट जो 2023 में 49th समिट होगी वो कहाँ पर होगी? जापान में होगी। इसके अलावा जो 50th समिट होगी G7 की जो 2024 में होगी वो इटली में होगी। तो ये कुछ डेट, एक प्रीवियस, एक करंट और एक फ्यूचर, ये तीन जब भी कोई सबमिट करो ये तीन डेट जरूर याद रखो। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट जो इस बार का स्पेसिफिक फीचर रहा है, तो जो ये 2022 की जो 48th समिट है G7 की, उसको पहली बार जो दो ऐसे लीडर हैं जिन्होंने पहली बार अटेंड किया है। तो ऐसे भी कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपने देखा ही होगा। तो जर्मन चांसलर हैं आपकी ओलाफ स्कॉल्ज और जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किसेदा। इन ये दो ऐसे पर्सन हैं, दो ऐसे वर्ल्ड लीडर हैं जिन्होंने पहली बार G7 की समिट को अटेंड किया है। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस स्लाइड में कि जो रसिया है उसको कब और क्यों इसकी मेंबरशिप से हटाया गया। तो 2014 में रसिया को G7 की मेंबरशिप से बेदखल किया गया। और ये इसका जो रीज़न था वो था जो ये क्रीमिया को लेकर जो इशू था, जो एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया था रसिया के द्वारा, इस मुद्दे को लेकर
रसिया को G7 के ग्रुप से बाहर कर दिया गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स थे G7 से रिलेटेड हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।